बनारस मुसलमानों का मकाम था, सरसब्जो शादाब इलाके में कयाम था, लश्कर सस्ता रहा था, घोड़े चर चर कर अपनी थकावट दूर कर रहे थे, सिपा सालार अपने अगले प्रोग्राम को मुरतब कर रहा था। मालूम हुआ कि शाह हरकल ने लाखों का लश्कर तैयार कर लिया है, जो रोम और शाम के बहादुर जंगजुओं पर मुश्तमिल है। उस लश्कर की तादाद कई लाख है और वो बड़ी तेजी से कूच करता हुआ आ रहा है। यह खबर सुनते ही सिपा सालार इस्लाम सोच में पड़ गए। अपने सरदारों को बुलाया और उनसे मशवरा तलब किया। कैस बिन हबीरा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, हमने शाम के शहर बड़ी कुर्बानी और जांफिशानी के बाद फतह किए हैं। हमारे मुजाहिदीन ने अपने लहू से इस सरजमीन को सींचा है। मेरी राय यह है कि हमें दुश्मन का इंतजार यहीं करना चाहिए और इसी सरजमीन में शाह रूम से मुकाबला करना चाहिए। अगर हम इस मारका में शहीद भी हो जाएं तो शोहदा के साथ बहिश्त के वारिस होंगे। ये जमीन जन्नत अर्जी है, इसे छोड़ने को जी नहीं चाहता। सरदारों ने कैस की तकरीर की ताईद की, मगर हजरत खालिद खामोश थे। ऐसे मौका पर उनकी खामोशी मानी खेज थी। आखिर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, इलाही तलवार आप क्यों खामोश हैं, अपनी राय से हमारी रहनुमाई फरमाएं। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हों ने जवाब दिया, अमीनुल उम्मत, मैं इसलिए खामोश था कि जब राय आमा एक बात पर मुत्तफिक है तो मुझे कुछ कहना मुनासिब नहीं लगा। अब चौंकि आपने पूछा है इसलिए मुझे बोलना ही चाहिए। मेरी राय कैस की राय के खिलाफ है। हमें यहाँ हरगिज नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि अव्वल तो ये इलाका अभी नौ मफ्तूह है, यहाँ के लोगों पर एतबार नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि रूमी फौजों को देखते ही ये लोग उनसे मिल जाएंगे। फिर हमें बैतुल मकदस की रूमी फौजों का भी खतरा रहेगा। वो यकीनन अपने हम मजहबों की इमदाद के लिए आएंगी और हम हर तरफ से घिर जाएंगे। अरब से हमारा ताल्लुक कायम न रह सकेगा और न हमें कमक पहुंच सकेगी। इतने बड़े लश्कर से मुकाबला के लिए वसी मैदान की जरूरत है, जो यहाँ नहीं है। इसलिए मेरी राय यह है कि हमें यहाँ से हटकर ऐसी जगह को मैदान जंग के लिए मुंतखब करना चाहिए, जहाँ से हम इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कर सकें, गिर कर या दुबक कर मर न जाए और हमें मदीना से कमक भी पहुंच सके। मफतूह शहरों और सरसब्ज जमीनों का लालच काम नहीं आएगा। ये शहर हमारी फतह मंदी से बआसानी हमारे मुती हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी तलवार की धार देख चुके हैं। सैफुल्लाह की तकरीर सुनकर जैसे सबको होश आ गया और सबने यक जुबान इत्तेफाक किया। हजरत अबू उबैदा खुश हुए और कहा, बहादुर खालिद, ऐसी बातें सोचना तुम्हारा ही काम है। अब तुम जो मैदान पसंद करो, जल्द अज जल्द वहां लश्कर को ले चलो, ताकि दुश्मन की आमद पर हम हर तरह मुकाबला के लिए तैयार हो सकें। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हों ने कहा, आप फौरन तमाम मफतूह शहरों से अपने निगरान और सिपाहियों को हुक्म भेजें कि वो हमें दरियाए यरमूक पर आ मिलें, ताकि बगावत की सूरत में उन पर जद न पड़े और वो दुश्मन की तलवार से बच सकें। हजरत अबू उबैदा ने फौरन मुख्तलिफ शहरों के निगरानों को हुक्मनामे भेज दिए और लश्कर लेकर यरमूक की तरफ चल पड़े। दरिया यरमूक पर पहुंचे तो देखा कि यरमूक से मिलने वाली एक नदी ने एक बड़े मैदान को घेर रखा है। एक छोटा सा किता जमीन शुमाल की तरफ ऐसा है जिसमें से बड़ा हमला नामुमकिन है। हजरत खालिद ने उसी तरफ अपना लश्कर उतारा। लश्करगाह के साथ रेगिस्तान शुरू हो जाता था, जिसको अबूर करना सिर्फ अरबों ही का काम था। रूमी इस मैदान के शाह सवार नहीं थे। शाह हरकल ने अंताकिया से अपनी अफवाज को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम किया। 1 लाख जंगजुओं का अफसर कनातीर को बनाया और वहां से तरतूस की जानिब कूच का हुक्म दिया। दूसरे 1 लाख पर अपने भांजे कौरीर को अफसर मुकर्रर किया। तीसरे 1 लाख पर जर्जीर को अफसर बनाकर भेजा और 4 लाख माहान के मातहत किया और उसे सारे लश्कर की कमान अता की। साथ ही हमस की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। 5वें 1 लाख पर दरीहान को अफसर मुकर्रर करके माहान की मदद को भेजा। जबला बिन अबन गसानी को 60,000 गसानियों पर अफसर बनाकर हमस जाने का हुक्म दिया। यही गसानी हर अव्वल दस्ता करार पाए। इस हिसाब से यह लश्कर 5 लाख से ज्यादा था। सामाने हरब के महफूज जखायर साथ थे। शाह हरकल ने हुक्म दिया कि नुमाया काम करने वाले बहादुरों को जी खोल कर इनाम दिया जाए, ताकि कोई भी जांफिशानी से दरेग न करे और बढ़ चढ़ कर अपने जौहर दिखाए। माहान ने यरमूक के खाली मैदान को गनीमत समझा और नदी अबूर करके अपना लश्कर उतार दिया।
उसका ख्याल था कि अरबों ने इस मैदान को खाली छोड़कर सख्त गलती की है, जिसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस मैदान के एक तरफ दरिया यरमूक लहरें ले रहा है और दूसरी तरफ नदी बह रही है। इन दोनों को अबूर करके रूमी लश्कर पर हमला करना तकरीबन नामुमकिन है। दोनों लश्कर कई दिन तक आमने सामने बैठे रहे और किसी ने जुम्बिश न की। इसी इसना में कैसर रूम का खत पहुंचा के अरबों से सुलह की गुफ्तगु की जाए। अगर वो जाबिया तक का इलाका लेने पर कनात करें तो जंग से एहतराज किया जाए। महान ने खत पढ़ा, अपने सरदारों को सुनाया और कहा, मैं नहीं जानता शहंशाह इतना रहम दिल क्यों है। हमारे पास इतना लश्कर और इतने जंगजू हैं जो सारी दुनिया को फतह कर सकते हैं। ये जलील अरब क्या बला हैं जिनसे इतनी रियायत बरती जा रही है। रोमी सिपा सालार ने जर्जीर को इस्लामी लश्कर की तरफ कासिद बनाकर भेजा। वो लिबासे फाकिरा पहने, खूबसूरत घोड़े पर मुरस्सा जेन डाले इस्लामी कैंप में आया। मुहाफिज दस्ता से कहा, अपने सरदार को बुलाओ, मैं उनसे गुफ्तगु करना चाहता हूँ। मुहाफिजों ने हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो को इत्तला दी। वो घोड़े पर सवार होकर आए और पूछा, क्या पैगाम लाए हो? जर्जीर ने कहा, कैसरे रूम ने हमें ताकीद की है कि जंग से पहले सुलह की गुफ्तगु करें। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ 6 लाख के करीब फौज है, जिसमें रोम, शाम और अरब की जंगजू कौमों के मशहूर तैग जंग शामिल हैं। अंताकिया से और कनक भी आ रही है। अरबी लश्कर आटे में नमक के बराबर भी नहीं। चींटी और हाथी का मुकाबला है। आपकी कौम के खत्म हो जाने का खदशा है। अरब पहले ही रेगिस्तान है, अब कब्रिस्तान बनेगा और यहाँ उल्लू बोलेंगे। कैसर का पैगाम ये है कि आपने हमारे शहरों से जो कुछ हासिल किया है, जितना खिराज वसूल किया है, वो सब माफ किया जाता है। इसके अलावा हजाज से जाबिया तक का इलाका भी आपको दिया जाता है, बशर्ते कि आप इससे आगे ना बढ़ने का अहद कर लें। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हों ने जवाब दिया, ऐ रूमी सरदार, मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह सब पर गालिब है। फतह और जफर उसी के इख्तियार में है। वही इज्जत देता है और वही जिल्लत की खाक सर में डालता है। वो किल्लत को कसरत पर गालिब करता है। वो हमारा है और हम उसके हैं। हम किसी दुनियावी लालच के लिए यहाँ नहीं आए, बल्कि अपने खुदा का नाम और अपने आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाए हैं। आप लोगों को गुमराही के गड़े से निकालकर रास्ते के तख्त पर बिठाने आए हैं। हमारी मौत हमारी शहादत है, जिसे हयात दवाम हासिल है। हम आपकी तादाद से खौफ जदा नहीं है। तलवार हमारे इस कौल की सदाकत पर मोहर लगाएगी। हम न भीख मांगते हैं, न कैसर का अतिया कबूल करते हैं। ये जमीन, ये मुल्क हमारा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका वारिस करार दिया है। हम अपनी विरासत लेंगे और खुदा हमें आप पर और आपके कैसर पर गलिबा अता करेगा। अगर आप सुलह चाहते हैं तो हमारी 2 शर्तों में से एक कबूल करना होगी। पहली शर्त यह है कि आप इस्लाम लाकर हमारे भाई बन जाएं। अगर ये मंजूर ना हो तो हमारी हिफाजत में आना कबूल कर लें और जिजिया अदा करें। जर्जीर ने हजरत अबू उबैदा का जवाब सुना तो कुछ कहे बगैर वापस चला गया। महान से सारी गुफ्तगू बयान की और कहा कि रूमियों से तो ये अरब डरते ही नहीं, इन्हें तरनवाला समझते हैं। मुमकिन है कोई अरब उन्हें समझाने जाए तो मान जाएं। महान ने जबला बिन अरहम वसानी से कहा, तुम भी अरब हो, अरबों की आदात से वाकिफ हो। इन अरबों को समझाओ कि अपने आप से दुश्मनी ना करें और शहंशाह की शफकत भरी पेशकश को मंजूर करके वापस चले जाएं, नहीं तो हमारा लश्कर इन्हें मार मार के तबाह कर देगा और उनकी एक एक बोटी भी हमारे हिस्से में नहीं आएगी। मेरे बस में होता तो मैं ऐसी पेशकश कभी ना करता। जबला ने अपने सालार का हुक्म सुना तो फौरन घोड़े पर सवार हुआ और इस्लामी कैंप के करीब आकर पुकारा, मैं जबला बिन अबहम हूँ, अपने किसी दाना आदमी को भेजो ताकि मैं उससे गुफ्तगु करूं। हजरत उबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया कि मुझे इससे गुफ्तगु करने का मौका दिया जाए। सालारे लश्कर ने इजाजत दी और वो सवार होकर जबला के सामने आ खड़े हुए। जबला ने पूछा, अरबी दोस्त, आपका नाम क्या है और अरब के किस इलाका से आपकी निस्बत है? उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जवाब दिया, मेरा नाम उबादा है और यमन के कबीला खजरज से हूँ। जबला ने कहा, तुम तो मेरे अजीज खास हो, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई।
मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि हम कराबती होकर भी एक दूसरे का गला ना काटें। हमारे साथ लाखों का लश्कर है और तुम्हारी तादाद हजारों में है। लाख और हजार का क्या मुकाबला, 100,000 हो तो 1,00,000 बनता है। समझ लो ये लड़ाई तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तारीफ तुम्हारी हमाकत आमेज हलाकत पर हंसेगी। बेहतर ये है कि तुम अपने सरदार को समझाओ और ये चंद हजार बचा कर वापिस ले जाओ, वरना तुम्हारी हलाकत पर निहंगाने दरिया और परिंदगाने हवा के सिवा कोई अफसोस करने वाला भी ना होगा। माना कि तुम बहादुर हो शुजा हो, मगर तुम्हारे मुकाबला पर भी तुमसे दुगने सिर्फ अरब ही हैं, जो तुमसे कम बहादुर और शुजा नहीं। फिर अंताकिया से मजीद कमत भी आने वाली है। उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, जबला हमारी कराबत सिर्फ अहले इस्लाम से है, जो मुसलमान नहीं वो हमारा अजीज है न कराबतदार। अगर तुम्हें कराबत का इतना ही पास है तो मुसलमान होकर हमारे भाई बन जाओ, अगर ये मंजूर नहीं तो कम अज कम उस लश्कर से अलग हो जाओ, ताकि हम रोमियों से मुकाबला करें और अपने हम वतनों का गला न काटें। हमारा यकीन है कि अल्लाह हिसाब पर गालिब है, वो हमें अब भी गालिब करेगा। कंसरीन में भी तुम्हारे 3 लश्कर थे, तुम खुद भी वहां मौजूद थे। तुमने जान लिया होगा कि हम खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। तुम्हारे 60,000 कंसरीन और अमूदिया की अफवाज ने भी मुत्तहिद होकर 12 मुजाहिदों का कुछ ना बिगाड़ा और उन्होंने तुम्हारे हजारों को तहे तेव कर डाला। तुम देखोगे कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो इसी रेगिस्तान के रास्ते कमक पहुंचेगी, जिसमें जवानाने शेर दिल और शेर पंजा होंगे। जबला हंसा और कहने लगा, मुझे याद है कि अरब के चीदा फरजंद और बहादुर जंगजू इस मैदान में धकेल दिए गए हैं, अब अरब में कोई बहादुर बाकी नहीं। उबादा रजी अल्लाह अन्हो हंसे और कहा, तुम गलती पर हो, अभी मदीना में इतने शेर दिल बहादुर मौजूद हैं कि तुम्हारी सारी फौज को बस एक एक ही काफी है। अभी मदीना में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा सानी, हजरत उस्मान, हजरत अली हैदर करार, हजरत अब्बास, हजरत तलहा और हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ के अलावा भी बहुत से तैर के धनी मौजूद हैं। फिर यमन ताइफ और हज्जाज के नामवर पहलवान इजाजत जहाद के तलबगार हैं। खुदा ने हमारी पुश्त मजबूत बना रखी है। सरेदस्त तुम्हारे इतने बड़े लश्कर के लिए सिर्फ हम ही काफी हैं। हम तुमसे नहीं अपने खुदा से रहम और नुसरत चाहते हैं। अगर सुलह चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो या जिजिया अदा करके हमारी हिफाजत में आ जाओ, इसके अलावा हम में और तुम में सुलह नामुमकिन है। जबला अरबों को डराने गया था, मगर उबादा रजी अल्लाह अन्हो ने उसे ही डरा दिया। वो कहने लगा, न मैं इस्लाम कबूल करूंगा न जिजिया अदा करूंगा, बल्कि लड़ूंगा और तुम्हें तबाह करके रख दूंगा। तुम बहुत जल्द हमारी बात समझने लगोगे। उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, तबाही खुदा और रसूल के बागियों के लिए है, हमारे लिए आबादी और दिलशादी है, हमें शिकस्त देना तुम्हारे बस का रोग नहीं। हम करीब कैसर और किसरा खत्म हो जाएंगे और खुदा के नाम से ईरान और रोम गूंज उठेंगे। जबला उबादा रजी अल्लाह अन्हो के जवाबात से सख्त बरहम हुआ। उसे जी हुजूर, जनाब, आका और वली नेमत वगैरह के अल्फाज सुनने की आदत थी। वो बराबर गुफ्तगू सुनकर गजबनाक हो गया, वापिस लौटा और माहान से आकर कहा, ये लोग बड़े बेअदब और गुस्ताख हैं, बात करने की तमीज है ना जवाब देने की। अजीब बात यह है कि हमारे इतने बड़े लश्कर से खाइफ नहीं, हमें इस्लाम की दावत देते हैं और हमसे जिजिया मांगते हैं। माहान ने कहा, कल अपना लश्कर लेकर निकलो और इन्हें ऐसी सजा दो कि कयामत तक जरबुल मिसल का काम दे। तुम्हारा लश्कर 60,000 है और ये 30,000-40,000 के करीब, गोया तुम उनसे दुगने हो। मैं भी मदद के लिए तैयार रहूंगा, अगर तुम इन्हें शिकस्त दे दो तो ये सारा इलाका भी तुम्हें बख्श दिया जाएगा, अरब का मुल्क भी तुम्हारी रियासत में शामिल होगा, तुम बड़े बादशाह बन जाओगे। जबला ने जवाब दिया, मैं कल इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि इनके सर से गुस्ताखी और बेअदबी का जुनून निकल जाएगा, इन्हें घेर घेर कर मारूंगा और इनके खून से रेत के खुश्क जर्रे सैराब होंगे। उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अबू उबैदा से गुफ्तगू की कैफियत बयान की। ये सुनकर लश्कर के सालार ने कहा, अब जंग नागुजीर है, खालिद तुम सैफुल्लाह हो, तुम्हारी तलवार में बड़ा काट है, तुम्हारे बाजुओं में खुदाई ताकत है,
कल मैदान जंग गर्म होगा, मुनासिब इंतजाम से अपने लश्कर के दिफा को मजबूत कर लो। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम इस मैदान के नकास पर हैं, दुश्मन हम पर एक दफा ही हमला नहीं कर सकता, अकब से हमें हमले का खतरा नहीं, आप औरतों और सामान को जरा दूर टीले पर पहुंचा दें और कह दें कि होशियार रहें, अपने हथियार अपने पास रखें, दुश्मन से गाफिल न रहें, और अगर कोई हमारा आदमी भागे तो उसे गैरत दिलाकर वापस करें। सामान और औरतें टीले पर भेज दी गई और उन्हें होशियार रहने की ताकीद कर दी गई। वो अरब के शेरों की माएं बहनें और बेटियां थीं, हथियार पहनकर बैठ गईं। हजरत सालार लश्कर ने मुनादी करा दी कि कल का दिन बहुत सख्त होगा, खुदा से सब्र और इस्तकलाल की दुआएं मांगते रहो, मैदान जंग में भी खुदा को न भूलो और उसी से फतह और नुसरत के तलबगार रहो, शहीद और गाजी बनने के लिए बढ़ो, नारा है तकबीर से दुश्मन को हरासा करो, इस्लाम के नामूस की हिफाजत के लिए कट मरो, अरब की आतिश गैरत से दुश्मन को जला दो। मुजाहिदीन ने रात खुदा की इबादत और फतह नुसरत के लिए दुआएं मांगते गुजार दी। सुबह की रोशनी फैली, मुजाहिदीन ने हथियार पहने, घोड़ों पर सवार हुए, बीवियों माओ बहनों और बेटियों से रुखसत हुए और मैदान जंग की तरफ बढ़े। मशहूर इस्लामी जंगों पर सीरीज की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और हर लम्हा बाखबर रहने के लिए घंटी के निशान को भी दबा दें। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।